हेलो दोस्त, आपका स्वागत है बेरिस्टर टीचर ने राजवती एकेडमी में। आज हम 11th क्लास में, आज यह मेरा 12वां लेक्चर होगा, 12th लेक्चर होगा मेरा। इसमें हम अभी फर्स्ट यूनिट ही पढ़ा रहे हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ द केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान की मूल अवधारणा। इसमें हमने टेम्परेचर मेजरमेंट तक पढ़ा दिया था। कुछ प्रॉब्लम के कारण 2-3 दिन अपलोड वीडियो नहीं हुए, लेकिन आज फिर से क्या होंगे, अपलोड हो जाएंगे। और इसमें आज हम पढ़ाएंगे मेजरमेंट ऑफ द वॉल्यूम एंड द मेजरमेंट ऑफ द डेंसिटी। दो मापन पढ़ेंगे कि वॉल्यूम का मापन किस प्रकार करते हैं और डेंसिटी का मापन किस प्रकार करते हैं। ठीक, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे मेजरमेंट ऑफ द वॉल्यूम, वॉल्यूम का मापन। तो ठीक, सबसे पहले लिखिए मेजरमेंट ऑफ द वॉल्यूम। ठीक, लिखिए मेजरमेंट ऑफ द मेजरमेंट ऑफ वॉल्यूम। ठीक है, वॉल्यूम मीन्स क्या होता है, आयतन होता है। ठीक है, और मेजरमेंट मीन्स मापन होता है। ठीक है, वॉल्यूम मीन्स क्या होता है, तो वॉल्यूम मीन्स हो जाता है आयतन। देख लीजिए, वॉल्यूम मीन्स आ जाता है मेरे पास आयतन, और मेजरमेंट मीन्स होता है मापन, मापन, और ऑफ मीन्स होता है का। यानी कि हिंदी में इसको हम लिख सकते हैं आयतन का मापन। हिंदी में इसे हम क्या लिख सकते हैं, आयतन का मापन, यानी कि मेजरमेंट ऑफ द वॉल्यूम, आयतन का मापन। ठीक, यहाँ तक तो समझ गए होंगे। ठीक, सबसे पहले इसका डिफिनीशन लिख लीजिए कि वॉल्यूम है क्या। ठीक है, सबसे पहले हम वॉल्यूम जानेंगे, तब तो किसी भी को जानेंगे कि किस पदार्थ के पास वॉल्यूम क्या होगा और वॉल्यूम क्या है। भाई सबसे पहले वॉल्यूम जानेंगे तो देखिए, When the substance is occupied, the space is called the volume. यानी कि किसी पदार्थ के द्वारा घेरे हुए या फिर ग्रहण किए गए स्थान को ही क्या कहते हैं, वॉल्यूम कहते हैं, आयतन कहते हैं। ठीक, When the substance is occupied, the space that is called the volume, उसी को क्या कहते हैं, आयतन कहते हैं। तो सबसे पहले लिखे इसी में, When the substance answer में लिखे, When the substance occupied the space is called कहलाता है volume, their volume। ठीक है, तो वही उनके आयतन कहलाता है। ठीक है, इज कॉल्ड देयर वॉल्यूम, तो वह उनके क्या कहलाते हैं, आयतन कहलाते हैं। ठीक है, अब देखिए, व्हेन द सबस्टांस, यानी कि व्हेन मींस जब, और सबस्टांस मींस तब पदार्थ। इसका हिंदी हम लोग जानते हैं पदार्थ या फिर द्रव्य। ठीक है, द्रव्य, द्रव नहीं, द्रव्य। ठीक है, तो व्हेन द सबस्टांस ऑक्युपाइड मीन्स ग्रहण करना, ऑक्युपाइड मीन्स ग्रहण करना, और स्पेस मीन्स स्थान को। ठीक है, स्थान इज कॉल्ड देयर वॉल्यूम, देयर मीन्स उनका। ठीक है, उनका, तो व्हेन द सबस्टांस ऑक्युपाइड द स्पेस, जब पदार्थ स्थान को घेरता है तो वही उनका वॉल्यूम कहलाता, आयतन कहलाता। ठीक है, व्हेन द सबस्टांस ऑक्युपाइड द स्पेस, किसी पदार्थ के द्वारा ग्रहित किए गए स्थान को ही उनका आयतन कहते हैं। तो व्हेन द एनी सबस्टांस, देखिए डिफिनेशन को किसी भी मोड़ से हम लिख सकते हैं, केवल हमको एक आइडिया की जरूरत होती है, विचार की जरूरत, रटी रटाई चीज नहीं। हमने लिखा है कि व्हेन द सबस्टांस ऑक्युपाइड द स्पेस इज कॉल्ड द वॉल्यूम, वही उसको आयतन कहते हैं। आप यह भी लिख सकते हैं, व्हेन द सबस्टांस या व्हेन एनी सबस्टांस ऑक्युपाइड द स्पेस, दैट स्पेस इज कॉल्ड द वॉल्यूम, घेरे हुए स्थान को ही आयतन कहते हैं। ठीक, आयतन। आप कहिएगा सर इसका एग्जाम्पल बताइए कि कैसे हम वॉल्यूम देख सकते हैं। ठीक है, तो पहले देखिए इसका वॉल्यूम किस प्रकार आप देख सकते हैं कि किसी पदार्थ की क्या वॉल्यूम क्या होगा। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल आप देखिए यहाँ पे। ठीक है, एग्जाम्पल एग्जाम्पल देखिए। ठीक, यहाँ पे एक ले लीजिए, क्या है, एक क्यूब है, क्यूब घन है। यह क्या है,
क्यूब आ गया मेरे पास। अब देखिए, अब आपसे हमारा अगर पूछे हम कि इस क्यूब का हाइट कितना होगा, ठीक है, तो आप बताइएगा सर इसका हाइट कितना होगा। यह क्यूब देखिए, यह क्यूब बनाते, ठीक, इस प्रकार का क्यूब है, ठीक, यह भी है क्या है, क्यूब है, घन है। तो आप कहेंगे सर इसका हाइट कितना है, ऊंचाई कितना है, तो वॉल्यूम बराबर हम लोग बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं कि लेंथ, ठीक है, लेंथ गुना ब्रेथ और गुना हाइट। यह क्या है, मेरा एक फॉर्मूला, मैथमेटिकल फॉर्मूला है या नहीं है, तो है, तो यही तो क्या है? मेरा मैथमेटिकल फॉर्मूला है। यह क्या है, एक मैथमेटिकल मेरा क्या फॉर्मूला है कि वॉल्यूम आयतन बराबर लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, ठीक है। अब देखिए, फिर से देखिए वॉल्यूम को, लेंथ, तो लेंथ के क्या इसके एल से सूचित कर सकते हैं, ब्रेथ, ब्रेथ मीन्स चौड़ाई, ब्रेथ मीन्स क्या हो गया, चौड़ाई। तो देखिए इसका जो चौड़ाई अगर हम मान ले, अब देखिए यह एक क्या है, क्यूब है। अब इसका देखिए, जब चौड़ाई इसका मानेंगे हम, तो चौड़ाई इसका ये होगा, चौड़ाई होगा नहीं होगा, ये इसका चौड़ाई, सॉरी, चौड़ाई इसका ये होगा, होगा। उसी प्रकार इसका जब लेंथ गुना ब्रेथ गुना हाइट, तो चौड़ाई भी ये क्या है, लंबाई ही तो है भाई, लंबाई ही तो है। अगर हम आपको कह दे कि इस प्रकार का एक क्या बना लीजिए, आप बना लीजिए एक फिगर, अगर इसमें कहे कि इसका चौड़ाई कितना है, तो चौड़ाई कहे तो मोटाई, ठीक है, यानी कि मोटाई यही तो है भी भाई, मोटाई और चौड़ाई दोनों तो एक ही तो है। यानी कि अगर आप देखिए फिर से समझिए कि मोटाई या फिर चौड़ाई, यानी कि इसकी जो मोटाई इतनी है कि नहीं है, ये इतनी मोटाई यानी कि चौड़ाई है इतना इतना, यानी कि चौड़ाई भी एक प्रकार का लंबाई ही तो है, चौड़ाई भी लंबाई है, तो उसको भी किससे सूचित कर सकते हैं, एल से सूचित कर सकते हैं, लेंथ को भी एल से और ब्रेथ चौड़ाई को भी एल से सूचित कर, हाइट, हाइट भी तो एक लंबाई ही है, यानी कि लंबाई चौड़ाई और क्या ऊंचाई तीनों एक लंबाई ही है, लेकिन नाम अलग हमने दे दिया कि लंबाई, इसको क्यों हमने दिया कि वॉल्यूम। अगर किसी भी पदार्थ का ऊंचाई मालूम होगा हमको, लंबाई मालूम होगा और क्या होगा उसका मोटाई मालूम होगा अर्थात चौड़ाई, तब तो हम क्या कर सकते हैं, वॉल्यूम कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे कि कोई क्या एक आया वह इसी प्रकार का क्यूब है, ठीक है, इसका जो हाइट है हमको 2 मीटर दे दिया, ठीक है, इसका लेंथ है एल, एल भी हमको 3 मीटर दे दिया है, ठीक, और इसका ब्रेथ है यानी कि मोटाई अर्थात चौड़ाई वह 2 मीटर भी दे दिया है, तो इसका वॉल्यूम कितना होगा आयत, ठीक है, तो आयतन लेंथ गुना ब्रेथ गुना हाइट निकाल लेंगे, 3 × 6 × 6 × 12 यानी कि 2 × 3 × 2, अब कितना हो जाएगा, तो तीनों में तो मीटर है, तो 2 मीटर × 3 मीटर × 2 मीटर, तो 3 × 6 × 12 12 मीटर क्यूब हो गया, यानी अर्थात इसका वॉल्यूम 12 मीटर क्यूब हो गया। अब तो समझिए कि तीनों एक लंबाई है, लंबाई चौड़ाई और मोटाई तीनों एक प्रकार का लंबाई है, तो तीनों को एल से ही सूचित करते हैं, ठीक है। तो यही इसके द्वारा जो स्थान जो छेका गया, यह तो स्थान यही तो इसका आयतन कहलाया, कहलाया कि ना, तो विन द सबस्टांस ऑक्युपाइड द स्पेस इज कॉल्ड द वॉल्यूम, किसी पदार्थ के द्वारा ग्रहित किए गए स्थान को ही क्या कहते, उसका आयतन कहते हैं, तो आयतन यह एल यानी एल हो गया। अब देखिए फिर से लिख सकते हैं वॉल्यूम का एक न्यू फॉर्मूला जनरेट होगा, एल क्यू आ गया, एल क्यू वॉल्यूम का एक न्यू फॉर्मूला क्या आ गया, एल क्यू आ गया, ठीक, वॉल्यूम का एक क्या आ गया, न्यू फॉर्मूला एल क्यू आ गया, ठीक। यहाँ तक तो आप लोग संतुष्ट हो गए होंगे, ठीक, इसको अब मिटा दीजिए, अब इसको क्या कीजिए, मिटा दीजिए, अब यहाँ से ही लिखिए, ठीक, यहाँ से पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, यहाँ से वॉल्यूम हैज द यूनिट ऑफ, वॉल्यूम हैज यूनिट ऑफ लेंथ इन फॉर्म ऑफ, इन फॉर्म ऑफ लेंथ क्यूब, ठीक है, लेंथ क्यूब, लेंथ क्यूब। आप कहिए सर लेंथ क्यूब का ला लिख देते, यही तो है भाई एल क्यूब, यह लंबाई के मात्रक को रखता है इन फॉर्म ऑफ लेंथ के क्यूब के रूप में, लेंथ के क्यूब के रूप में, लंबाई का मात्रक आप लोग को हम पढ़ाए मीटर होता है, ऐसा यूनिट इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, लंबाई का कितना होता है, तो मीटर होता है, सीजीएस में कितना जाएगा, तो सेंटीमीटर, तो यह क्या लगता है, तो वॉल्यूम एट द यूनिट ऑफ लेंथ इन फॉर्म ऑफ लेंथ क्यूब, लेंथ क्यूब के रूप में क्या करता है, रखता है, दैट इज, That is SI unit,
दैट इज यूनिट ऑफ लेंथ इज मीटर, दैट इज यूनिट ऑफ लेंथ, दैट इज यूनिट ऑफ लेंथ इज मीटर, देयरफॉर इसीलिए, देयरफॉर इसीलिए, ठीक है, ऐसा यूनिट ऑफ, यहाँ पे ऐसा यूनिट लिख दिया, दैट इज द यूनिट ऑफ, दैट इज ऐसा यूनिट ऑफ लेंथ, ठीक है, ऐसा यूनिट ऑफ लेंथ ऑफ लेंथ, ऐसा यूनिट ऑफ लेंथ क्या होता है, मीटर होता है कि नहीं होता, तो होता है सर, तो ऐसा यूनिट ऑफ लेंथ इज मीटर, देयरफॉर इसीलिए ऐसा यूनिट ऑफ वॉल्यूम इज मीटर क्यूब, वॉल्यूम इज मीटर क्यूब, ठीक है, ऐसा यूनिट ऑफ वॉल्यूम इज द मीटर क्यूब, ठीक है, मीटर क्यूब, मीटर के क्या होता है, क्यूब होता है, ठीक, मीटर क्यूब, एंड और सीजीएस यूनिट सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड इज सेंटीमीटर क्यूब, कितना होता है, सेंटीमीटर क्यूब, यानी कि आप देखिए वॉल्यूम है द यूनिट ऑफ लेंथ, यानी कि वॉल्यूम लंबाई के मात्रक को रखता है इन फॉर्म ऑफ लेंथ क्यूब, लेंथ के रूप में, दैट इज अर्थात ऐसा यूनिट ऑफ लेंथ, कोई पूछ देगा अच्छा चलो बताओ ऐसा यूनिट ऑफ लेंथ कितना होगा, तो मीटर भाई, मीटर तो वही होगा, देयरफॉर इसीलिए ऐसा यूनिट ऑफ वॉल्यूम इज मीटर क्यूब, इसीलिए वॉल्यूम का जो ऐसा यूनिट होगा इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट वह मीटर क्यूब हो जाएगा, एंड सीजीएस यूनिट सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड सेंटीमीटर क्यूब होता है, ठीक है, यहाँ तक सबसे पहले आप समझ गए होंगे, फिर से समझिए, तो व्हेन द सबस्टांस ऑक्युपाइड द स्पेस, किसी पदार्थ के द्वारा ग्रहित किए गए स्थान को ही क्या कहते हैं, आयतन कहते हैं, ठीक है, तो वॉल्यूम बराबर लेंथ गुना ब्रेथ गुना हाइट, ठीक है, तो वॉल्यूम बराबर एल गुना एल बराबर एल, यानी कि एल गुना वॉल्यूम बराबर एल क्यूब, एल क्यूब आ गया, तो आप देखिए वॉल्यूम एज द यूनिट ऑफ लेंथ इन फॉर्म ऑफ लेंथ क्यूब, ठीक है, दैट इज इसीलिए या दैट इज अर्थात इसको कहते हैं ऐसा यूनिट ऑफ लेंथ, लेंथ का जो ऐसा यूनिट होता है इज मीटर, ऐसा यूनिट ऑफ लेंथ इज मीटर, मीटर है, देयरफॉर इसलिए ऐसा यूनिट ऑफ वॉल्यूम, आयतन का जो ऐसा यूनिट होगा इज मीटर क्यूब, एंड इन सीजीएस इज सेंटीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए, अब हम इस लेंथ से किस प्रकार मीटर क्यूब निकालेंगे और सेंटीमीटर क्यूब वह सब हम आपको बता देते हैं, ठीक, यहाँ तक तो आप सबसे पहले स्क्रीनशॉट कर लीजिए, ठीक, कर ली होइएगा स्क्रीनशॉट, ठीक, अब देखिए इसी से नाम को बनाना है, देखिए इसी से हम बना देते हैं, आपको ये तो उतार ली हुईगा, ठीक, अब देखिए यहां से, यानी कि वॉल्यूम बराबर क्या होगा, वॉल्यूम बराबर एल गुना एल गुना एल, यानी कि वॉल्यूम बराबर आ गया मेरे पास तो एल क्यूब, या तो शुरू से ही है, तो ऐसा यूनिट क्या होगा, मीटर क्यूब होगा कि नहीं होगा, मीटर क्यूब, ऐसा यूनिट कहिएगा सर कैसे, तो यहाँ पे लिख लीजिएगा, अगर आपको पहली बार हमारे चैनल से पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे लिख लीजिएगा लेंथ ऑफ ऐसा यूनिट बराबर मीटर, ठीक है, ये सब पढ़ा दिए पीछे के वीडियो में, और लेंथ का ऐसा यूनिट क्या होता है, मीटर होता है, इसको एम से सूचित करते हैं, ठीक है, एम से सूचित करते हैं, और लेंथ ऑफ सीजीएस यूनिट, ठीक है, लेंथ ऑफ सीजीएस यूनिट, सीजीएस यूनिट होता है सीएम को कहते हैं सेंटीमीटर, ठीक है, यह दोनों सबसे पहले आप लिख लीजिएगा, यह केवल समझाने के लिए, ठीक है, तब देखिए ऐसा यूनिट मीटर हो गया, सीजीएस यूनिट बराबर सेंटीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब आ गया, यहाँ तक तो आप पूरी तरह क्या कर गए, लिख लिए, ठीक, यहाँ तक तो लिख लिए, अब लिखिए मीटर क्यूब इज द लार्जेस्ट यूनिट, इसी में लिखिए मीटर क्यूब, मीटर क्यूब इसी को इज द लार्जेस्ट यूनिट, लार्जेस्ट यूनिट, देयरफॉर इसीलिए सेंटीमीटर क्यूब इज यूज्ड इन लैबोरेटरी, यूज्ड इन लैबोरेटरी, बिकॉज क्योंकि
बिकॉज क्योंकि सेंटीमीटर क्यू इज स्मॉलेस्ट यूनिट, ठीक है, स्मॉलेस्ट यूनिट। अब देखिए मीटर क्यूब इज द लार्जेस्ट यूनिट, मीटर क्यूब एक बड़ी लंबाई है, ठीक है। या अगर आपसे कोई पूछ दे कि लंबाई का मात्रक क्या होता है तो मीटर होता है भाई, वॉल्यूम का मात्रक क्या होता है तो मीटर क्यूब होता है, ऐसा यूनिट वही कह रहा है। मीटर क्यूब इज द लार्जेस्ट यूनिट देयर फॉर, सॉरी यहाँ पे देयर फॉर छूट गया, ठीक है, देयर फॉर कीजिए यहाँ पे, देयर फॉर इसी में लिख दीजिएगा, देयर फॉर सेंटीमीटर क्यूब इज यूज्ड इन लैबोरेटरी। इसीलिए सेंटीमीटर क्यूब क्या किया जाता है लैबोरेटरी में, प्रयोगशाला में उपयोग किया जाता है, बिकॉज क्योंकि सेंटीमीटर क्यूब इज द स्मॉलेस्ट यूनिट, सेंटीमीटर क्यूब एक छोटी इकाई है। और प्रयोगशाला में तो जनरली इसी में लिख देंगे, जनरली यहां से लिख देते हैं, जनरली इन लैबोरेटरी, ठीक है, स्मॉलेस्ट यूनिट इज यूज्ड। सामान्यतः जनरली यानी कि सामान्यतः इन लैबोरेटरी प्रयोगशाला में स्मॉलेस्ट यूनिट यूज, यानी कि हर एक वैज्ञानिक प्रयोगशाला में एक छोटी इकाई को ही क्या किया जाता है, लिया जाता है, एक बड़ी इकाई को नहीं लिया जाता है, छोटी सी इकाई को लिया जाता है ताकि आसानी से मेजर हो। कोई भी प्रयोगशाला में तो क्या होता है किलोमीटर में थोड़ी ना मापना रहता है हमें किसी भी चीज को, उसमें सेंटीमीटर में, और इससे भी आपको कम यूनिट पढ़ाएंगे सब्सिडियरी क्वांटिटी में, डेसीमीटर, डेकामीटर, ठीक है, नैनोमीटर, माइक्रोमीटर, पिकोमीटर, फर्मी, यह सब पढ़ाएंगे, इससे और छोटी है। एक माइक्रोमीटर 10^-6 मीटर, एक नैनोमीटर 10^-9 मीटर, एक पिकोमीटर 10^-12 मीटर, ठीक है, उस प्रकार, यानी कि इससे भी और छोट क्वांटिटी है, ठीक है, सेंटीमीटर से भी। लेकिन जनरली सामान्यतः जो प्रयोगशाला में होता है छोटी इकाई को क्या किया जाता है, लिया जाता है। तो फिर से समझिए कि मीटर क्यूब इज द लार्जेस्ट यूनिट देयर फॉर सेंटीमीटर क्यूब इज यूज, कह रहा है क्या, मीटर क्यूब एक लंबी लंबाई है, देयर फॉर इसलिए सेंटीमीटर क्यूब इज यूज इन लैबोरेटरी, यानी कि मीटर क्यूब को एक बड़ी यूनिट को मानते हुए हमने सेंटीमीटर क्यूब को क्या किया लैब में उपयोग किया, बिकॉज क्योंकि सेंटीमीटर क्यूब इज द स्मॉलेस्ट यूनिट या एक छोटी इकाई है। जनरली सामान्यतः इन लैबोरेटरी प्रयोगशाला में स्मॉलेस्ट यूनिट यूज एक छोटी इकाई का ही क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है, क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है, ठीक। यहाँ तक तो आप लिख लीजिएगा। अब कहिए सर यहाँ तक हम समझ गए, यहाँ तक क्या हो गए, हम समझ गए पूरी तरह। अब एक नोट लिखिए, ठीक है, न तो सबसे पहले यहाँ तक आप तो पूरी तरह क्या हो गए, समझ गए। अब कुछ फॉर्मूला लिख लीजिए, ठीक है, उस फॉर्मूला को आपको रिमेम्बर याद करना होगा हर हमेशा, या नहीं कि छोड़ देना पड़ेगा, ठीक है। लिखिए सबसे पहले कि 1 मीटर बराबर, ठीक है, 100 सेंटीमीटर, ठीक है, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मिलीमीटर, ठीक है, 1 सेंटीमीटर 10 मिलीमीटर, 1 डेसीमीटर, ठीक है, 1 डेसीमीटर, डीएम को कहते हैं डेसीमीटर, बराबर 10 सेंटीमीटर, ठीक है, 1 डेसीमीटर 10 सेंटीमीटर। तीन फॉर्मूला यहाँ हुए, यहाँ पूरा हम फॉर्मूला ही लिख देते, ठीक है, या पूरा में क्या कर देते हैं, फॉर्मूला ही लिख देते हैं, ठीक है। लिखिए अब 1 मीटर, 1 सेंटीमीटर, 1 डेसीमीटर तो क्या कर लिए हम, लिख लिए, ठीक है। अब लिखिए 1 किलोमीटर, हम लोग जानते हैं क्या होता है, 1000 मीटर होता है कि ना होता है, 1000 मीटर, 1 गैलन, ठीक है, 1 गैलन। अब कहिएगा सर गैलन क्या होता है, तो 1 गैलन बराबर 4.55 लीटर, 4.55 लीटर होता है। अगर आपके घर में गैलन होगा तो वही गैलन है भाई। सामान्यतः वैज्ञानिक ने मापा कि 1 गैलन में, 1 गैलन में 4.55 लीटर ही क्या रहनी चाहिए, कोई भी लिक्विड रहनी चाहिए। तो हम वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड इज मेजर्ड इन द टर्म ऑफ द लीटर, यानी कि द्रव के आयतन को हम लीटर में मापते हैं। हम जस्ट इसके बाद पढ़ाएंगे कि द्रव को आयतन को हम क्यों मापते हैं लीटर में, उसको भी हम
पूरी तरह क्या करेंगे, आपका कंफ्यूजन दूर करेंगे। सबसे पहले लिखिए 1 गैलन बराबर 4.55 लीटर, ठीक है। 1 लीटर बराबर लिखिए, 1 लीटर बराबर 1000 मिलीलीटर, 1000 मिलीलीटर, ठीक है, 1000 मिलीमीटर। और 1 लीटर बराबर इसी में लिख लीजिए, 1 लीटर बराबर 0.22 गैलन, ठीक है, 0.22 गैलन, ठीक है, 0.22 गैलन। यह क्या फॉर्मूला है, ठीक है, फॉर्मूला है। यह फॉर्मूला काफी आपको इम्पोर्टेंट है, कहिए कैसे सर, तो जब आप न्यूमेरिकल बनाइएगा, न्यूमेरिकल भी हम करवाएंगे या नहीं कि छोड़ देंगे। 1 मीटर 100 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर 10 मिलीमीटर, ठीक है, 10 मिलीमीटर, उसके बाद 1 डेसीमीटर 10 सेंटीमीटर, 1 किलोमीटर 1000 मीटर, 1 गैलन 4.55 लीटर, 1 लीटर 1000 मिलीलीटर, और 1 लीटर बराबर 0.22 गैलन, 0.22 गैलन। तो यहाँ तक आप सबसे पहले पूरी आप समझ गए। एक बार और समझिए कि आप कर से पूछे कि कोई भी आदमी कि भाई वॉल्यूम है क्या, आयतन को क्या हमें डिफाइन कर सकते हो, तो हम कहेंगे हम आसानी से डिफाइन कर सकते हो। तो बोलो क्या है आयतन का डिफिनेशन, कोई भी इंग्लिश बताने को उसकी आवश्यकता नहीं, केवल और केवल मैं कहता हूं आप कॉन्सेप्ट पकड़िए। इंग्लिश रटने की भाषा नहीं है, वह इंग्लिश आपको इंग्लिश वाले सर पढ़ाएंगे। मेरा जो स्टेटमेंट होता है वह साइंस का स्टेटमेंट होता है, ना कि इंग्लिश का। सबसे पहले क्या कहे, किसी पदार्थ के द्वारा ग्रहित किए गए स्थान को ही क्या कहते हैं, उसका आयतन कहते हैं। तो व्हेन द एनी सबस्टांस इज ऑक्युपाइड द स्पेस इज कॉल्ड द वॉल्यूम। भाई किसी पदार्थ के द्वारा जो स्थान घेरा गया, जैसे कि हम भी एक क्या पदार्थ ही तो है, ह्यूमन मानव भी तो एक पदार्थ है, हम अभी जहां पे खड़े हैं वहां पे हमने कुछ तो स्पेस को क्या किया, ग्रहण किया, ग्रहण किया कि नहीं किया, तो किया, तो मैं फिर मेरा भी क्या होगा, आयतन निकलेगा। कैसे, तो मेरा पहले क्या क्या लंबाई नापाया जाएगा, ठीक है, फिर उसके बाद मेरा चौड़ाई मापा जाएगा, फिर उसके बाद क्या जाए मापा जाएगा, मेरा लंबाई और चौड़ाई मापने के बाद मेरा क्या ऊंचाई मापा जाएगा। जब हम लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई जब तीनों, आप कहिएगा सर लंबाई और ऊंचाई में किस प्रकार आप कैलकुलेशन कर सकते हैं, कि आपकी हाइट तो अभी कम से कम 5 फीट होगी, ऐसे 5 फीट 5.5 फीट, ठीक, इतना होगी, तो फिर आप लंबाई और ऊंचाई को किस प्रकार कैलकुलेशन कर सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो। तो मेरा जो चौड़ाई होगा, बॉडी का चौड़ाई अर्थात मेरा मोटाई, मोटाई एक प्रकार का चौड़ाई है, ठीक है। आप लोग पेड़ देखते हुएगा गाँव में, तो पेड़ में पेड़ जब देखते हुए तो बताते हैं कि इतना मोटा पेड़ है, यानी कि उस पेड़ की चौड़ाई इतनी मोटी है, यानी कि जितना 32 सेंटीमीटर हो 33 सेंटीमीटर हो, अगर आप पैंट पहनते हो तो क्या करते हैं, कितना पैंट चौड़ा चाहिए, पहनते हो कि नहीं, यानी 32 सेंटीमीटर का पैंट चाहिए, चाहिए कि नहीं चाहिए। उसी प्रकार चौड़ाई भी एक प्रकार की मोटाई है, लंबाई और ऊंचाई क्या है, दोनों अलग अलग, हम लंबाई और चौड़ाई, लंबाई ऊंचाई और क्या है मोटाई, तीनों एक प्रकार की लंबाई है भाई। जब मोटाई भी होगा तो 32 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर आ गया तो लेंथ, यानी कि 32 सेंटीमीटर लंबाई इसका क्या मोटाई है। आप लोग यह तो सब पूरा जानते हुएगा, तो आप हम लोग पूरी तरह समझ गए कि क्या है, व्हाट इज वॉल्यूम, वॉल्यूम है क्या, किसी पदार्थ के द्वारा ग्रहित किए गए स्थान को क्या कहते हैं, आयतन कहते हैं, आयतन कहते हैं। आयतन का मात्रक मीटर क्यूब होता है, तो ऐसा यूनिट ऑफ द वॉल्यूम इज द मीटर क्यूब एंड द सीजीएस यूनिट इज सेंटीमीटर क्यूब। सीजीएस मीटर क्यूब इज द लार्जेस्ट यूनिट, देयरफॉर द सेंटीमीटर क्यूब इज यूज्ड इन लैबोरेटरी, बिकॉज सेंटीमीटर क्यूब इज द स्मॉलेस्ट यूनिट इन लैबोरेटरी, जनरली द स्मॉलेस्ट यूनिट यूज, देयरफॉर द सेंटीमीटर क्यूब इज यूज्ड। अगर आपसे कोई पूछे कि मीटर क्यूब को हम लैब में क्यों नहीं ले सकते हैं, तो आप यही बताइएगा कि ऑल द साइंटिस्ट सजेस्ट, सभी वैज्ञानिक ने सजेस्ट दिया, सुझाव दिया कि इन लैबोरेटरी ऑलवेज द स्मॉलेस्ट यूनिट यूज, केवल और केवल एक छोटी क्वा यूनिट को ही क्या करते लेते हैं, चाहे हम टेम्परेचर पढ़ाए, चाहे हम क्या पढ़ाए, किसी भी चीज को हम पढ़ाए, सब में हमने छोटी यूनिट स्मॉलेस्ट यूनिट को ही क्या कर दिया लिया, ठीक। फिर उसके बाद क्या रहा, मीटर क्यूब इज द लार्जेस्ट यूनिट अभी पढ़ा है, और सेंटीमीटर क्यूब इज द क्या स्मॉलेस्ट यूनिट, 1 मीटर 100 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर 10 मिलीमीटर। यहाँ तक आप तो क्या होगा पूरा समझ में आ गए होंगे। यहाँ तक सबसे पहले आप क्या कर लीजिए, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अब एक नोट है जो आपके लिए बहुत ही क्या बेस्ट है, आपका कंफ्यूजन दूर करने वाला है, ठीक, कर लीजिएगा स्क्रीनशॉट, ठीक। अब एक नोट लिखिए सबसे पहले, ठीक, यह मेजरमेंट ऑफ वॉल्यूम में ही है, नोट लिखिए, नोट VVI नोट है, ठीक है, देख लीजिए। द वॉल्यूम ऑफ लिक्विड
या और मीन्स होता है या, ठीक है, और या फिर द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ठीक है इज मेजर्ड, मेजर्ड इन लीटर। अब देखिए अब आपको पूरा समझ में आ गया होंगे। जब आप क्या लेते हैं, जाते हैं मिट्टी तेल, गांव में रहते हैं हम लोग, ग्रामीण है गांव के वासी है, तो क्या जाते हैं जब मिट्टी तेल या फिर दूध ही लाने गए किसान के यहाँ, ठीक, तो क्या कहते हैं दूध हमको किस में चाहिए, सेंटीमीटर क्यूब में चाहिए, हम कहते हैं कि हमको 2 सेंटीमीटर क्यूब दूध दे दीजिए, हम कहते हैं नहीं 2 लीटर दूध दे दीजिए। तो दूध क्या है, दूध एक प्रकार का द्रव है, कैसे द्रव है, तो दूध के पास फ्लो अर्थात प्रवाह करने की क्षमता होती है, तो मिल्क हैज कैपेसिटी टू द फ्लो फ्रॉम वन पॉइंट टू द अनदर पॉइंट, दूध के पास एक क्षमता होती है किसकी, प्रवाह करने की एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक। तो कहिएगा सर कौन सा, अगर नीचे ऊपर से नीचे की तरफ, क्या ऊपर से नीचे की तरफ, ऊपर से नीचे की तरफ, तो जब आप पढ़ाई जब आप जाइएगा 7वां चैप्टर में इक्विलिब्रियम में, तो वहां पढ़ाएंगे स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, द प्रोसेस विच इज अकर्ड ऑटोमेटिकली इज कॉल्ड एज स्पॉन्टेनियस, एक वैसा प्रोसेस विधि जो अपने आप हो, यानी कि दूध को जब हम ऊपर से नीचे की तरफ गिराते हैं तो वो फ्लो करता है कि नहीं करता है, तो करता है, ठीक करता है, नीचे से ऊपर नहीं जाएगा लेकिन ऊपर से नीचे आ जाएगा, लेकिन तो दूध के पास फ्लो करने की तो टेंडेंसी है, तो मिल्क हैज कैपेसिटी टू द फ्लो फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक मिल्क के पास एक कैपेसिटी है किसकी, फ्लो करने की अर्थात प्रवाह करने की, दैट इज फ्लूड्स, तो एक प्रकार का क्या फ्लूड्स है, ठीक है, क्या है फ्लूड्स है, ठीक, तो उसी प्रकार है, तो यानी कि वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड इज मेजर इन लीटर, यानी कि दूध भी एक प्रकार का क्या द्रव है कि नहीं द्रव, यानी कि वॉल्यूम इसका क्या है द्रव है एक प्रकार का दूध, कहिएगा सर कैसे, तो देखिए वॉल्यूम यानी कि दूध का क्या होता है आकार निश्चित होता है, तो कहिएगा सर दूध का आकार तो निश्चित नहीं होता है, कैसे, तो अगर आप इसको इस ग्लास में रख दिए, एक सिलिंड्रिकल ग्लास में रख दीजिए, तो दूध लगेगा इसे एक सिलेंडर है, ठीक है, एक क्या है सिलेंडर है दूध है, ठीक है, मिल्क है। अब इसको जब हम एक सिलिंड्रिकल ग्लास में रख दिए, क्या है सिलिंड्रिकल ग्लास, ठीक है, एक बेलनाकार सिलिंड्रिकल, अगर हम इसको क्या कर दिए एक पॉट में रख दिए, एक घड़ा में रख दिए, आज लाइक एज ये घड़ा है या नहीं, ये देखिए तो एज लाइक एज ये घड़ा है, ठीक है, तो क्या आप बता सकते हैं कि इसमें दूध का आकार कैसा होगा, तो कहिएगा नो सर हम नहीं बता सकते हैं, यह पॉट है तो यह लाइक एज पॉट की आकार का होगा, कैसा आकार का होगा, तो दूध का पॉट आकार, क्या दूध का आकार निश्चित रहा, तो नहीं, लेकिन आयतन क्या है निश्चित है, अगर हमने इसमें 2 लीटर क्या रखा दूध रखा, तो एज लाइक एज वही बर्तन लिया, 2 लीटर कैपेसिटी वाले ही बर्तन ग्लास को लिया, और यहाँ भी 2 लीटर वाले पॉट को रखा, तो दूध का पूरा मात्रा इसमें है, यानी कि आयतन में कोई चेंज नहीं लेकिन आकार में चेंजिंग है, यहाँ पे क्या सिलिंड्रिकल आकार था लेकिन यहाँ पे घड़ा के आकार का हो गया कि नहीं हो गया, तो आप समझ गए कि दूध है पानी ये सब क्या है लिक्विड है द्रव है, ठीक है, क्या है तो द्रव है, तो इस वही कह रहा है तो वॉल्यूम ऑफ लिक्विड और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज मेजर्ड इन लीटर, लीटर में व्यक्त किया जाता है, ठीक है, किसमें क्या जाता है लीटर में व्यक्त किया जाता है, ठीक है, इसी में लिखिए लीटर इज नॉट ए यूनिट, एक प्रकार का इकाई नहीं है, लीटर इज नॉट ए डिफाइन यूनिट, एक मान्यता प्राप्त इकाई नहीं है डिफाइन यूनिट, बट लेकिन इट इज कॉमन यूनिट, एक सामान्य इकाई है, इट इज कॉमन यूनिट, कॉमन यूनिट एक प्रकार की सामान्य इकाई है, ठीक है, सामान्य इकाई है, अब तो यह पहले समझ गए होइएगा, तो वॉल्यूम ऑफ लिक्विड इज मेजर या वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज मेजर इन लीटर, यानी कि द्रव के आयतन को या फिर विलयन के आयतन को, विलयन भी आपके साथ 10वां में पढ़ाए होंगे कि सॉल्यूशन क्या है, जब विलय और विलायक को मिलाया जाता है तो सॉल्यूशन का निर्माण होता है कि नहीं होता है, तो आप कहेगा यस सर होता है, तो अगर आपको हम
लीटर पानी दिए, तो 2 लीटर पानी यानी कि फिर से समझिए, द वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड इज ऑलवेज मेजर्ड इन द लीटर, इट इज डज नॉट मेजर्ड इन द मीटर क्यूब एंड द सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब और मीटर क्यूब में नहीं मापेंगे, केवल और केवल लीटर में मापेंगे। क्यों? क्योंकि एक प्रकार का एक द्रव है, उसी में गैस रहता तो गैस का भी लिक्विड इसी में मापते, ठीक है, लेकिन जब ठोस रहता, सॉलिड रहता, तो उसका जो वॉल्यूम हम किस में मापते, उसका वॉल्यूम हम मीटर क्यूब में मापते। क्यों? कि ठोस के पास एक आयत क्या होगा, लंबाई होगा, चौड़ाई होगा, और क्या होगा, ऊंचाई होगा। एज लाइक यही ले लीजिए, यह क्या पेन है, मार्कर सन, तो इसका क्या होगा, कुछ ना कुछ लंबाई होगा, यह जो क्या है, इसकी मोटाई है क्या, चौड़ाई है या नहीं है, इसकी मोटाई है क्या, चौड़ाई है। लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों का इसका निकालेंगे तो यह कुछ ना कुछ स्थान तो क्या कर रहा, ले रहा है, तो ले रहा है तो यह क्या पदार्थ है, यह पदार्थ है, पदार्थ क्या करता है, स्थान घेरता है, स्थान घेरता है, तो आयतन भाई इसमें होगा, तो आयतन को इसमें मीटर क्यूब में निकालेंगे, यानी कि सोलिड के जो हम आयतन है वॉल्यूम वह किस में, मीटर क्यूब में करेंगे, लेकिन लिक्विड और गैस का जो आयतन हम मेजर करेंगे वह किस में, लीटर में करेंगे, किस में, लीटर में करेंगे। आया कि नहीं समझ में, अब आ गया होगा, इसी में एक और नोट लिख लीजिएगा, ठीक है, इसी में लिख लीजिएगा, द वॉल्यूम ऑफ ऑफ गैस इज मेजर्ड इन लीटर। ठीक है, लीटर में क्या किया जाता है, मापा जाता है। तीसरा लिखिए नोट, तीसरा लिखिए, द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, यानी कि द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इज मेजर्ड, मापा जाता है इन मीटर क्यूब, ठीक है, और या फिर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, बिकॉज, क्योंकि, सब कारण यहाँ पे लिख देते हैं, सोलिड हैव, सोलिड हैव, सोलिड रखता है हाइट, ऊंचाई रखता है, ठीक है, हाइट रखता है कि नहीं, ब्रेथ, चौड़ाई रखता है, एंड और क्या रखता है, लेंथ, तीनों रखता है, इसीलिए इसे मीटर क्यूब में मापा जाता है। और इसमें लेकिन वॉल्यूम ऑफ गैस, गैस क्या कहो, कोई लंबाई होता है कि 2 मीटर लंबा गैस है, कोई कहता है, नहीं कहता, कोई कहवे नहीं करता है कि 2 मीटर लंबा गैस है, गैस तो एक छोटा सा कण है, गैस इज द मेड ऑफ द स्मॉल टीनी पार्टिकल दैट इज कॉल्ड द मॉलिक्यूल, यानी कि गैस का निर्माण एक बहुत सूक्ष्म कणों से हुआ है, ठीक है, दैट इज नोन एज द मॉलिक्यूल, उसी को अणु कहते हैं, गैसियस अणु कहते हैं, यानी कि द वॉल्यूम ऑफ गैस इज मेजर्ड इन लीटर, वॉल्यूम ऑफ गैस, गैस के भी आयतन को हम लीटर में ही मापते हैं, द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इज मेजर्ड इन मीटर क्यूब एंड सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, बिकॉज, क्योंकि सॉलिड हैव हाइट, ब्रेथ एंड द लेंथ। यहाँ तक आपको 3 या नोट पूरा समझ में आ गए होंगे। 1 लीटर बराबर हमने कितना पढ़ाया, सो 1 लीटर बराबर कितना पढ़ाया, वहां पे लिख दिए होंगे 0.22 गैलन, और 1 गैलन बराबर कितना पढ़ाया, तो 4.55 लीटर, वही दोनों यहां क्या है, वहां पे भी अप्लीकेबल हो जाएंगे। ठीक, यहां तक सबसे पहले आप क्या कर लीजिए, स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर इसके बाद एक और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है कि वॉल्यूम का मेजरमेंट किस करने के लिए, किस इक्विपमेंट का उपयोग करते, उपकरण का, उसके बारे में भी हम पढ़ाते हैं। ठीक, यहां तक सबसे पहले स्क्रीनशॉट कर लीजिए। कर ली हुईगा स्क्रीनशॉट, ठीक, अब अगला क्वेश्चन लिखिए, लिखिए क्वेश्चन, वीवीआई क्वेश्चन है, वह भी वीवीआई क्वेश्चन है, लिखिए, हु आर द इक्विपमेंट, Who are the equipments equipment which is used used in laboratory laboratory to measure the मेजर्ड द वॉल्यूम ऑफ, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड, या फिर लिख सकते हैं और या फिर
सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन का है तो वही होगा और लिक्विड का है तो वही होगा, ठीक है। लिक्विड में द्रव आ जाता है, द्रव भी एक प्रकार विलयन है, ठीक है। अब क्या कर रहा क्वेश्चन, या क्या कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, विदाउट कंसेप्ट को, और इसको जब हम एमएससी में आप जाइएगा केमिस्ट्री ऑनर्स अगर आप करते हैं तो इसको वहां पे बोला जाता है रीजनिंग टाइप क्वेश्चन, व्हाई व्हाट और हाउ, ये सब क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, क्योंकि यह कॉन्सेप्ट से उठता है, किसी थ्योरी से नहीं, किसी किताब से नहीं, बल्कि यह कॉन्सेप्ट से उठता है। तो क्या कह रहा, हु आर द इक्विपमेंट, कौन सा एक उपकरण है, व्हिच इज यूज्ड, जिसका उपयोग करते हैं इन लेबोरेटरी प्रयोगशाला में, टू मेजर द वॉल्यूम ऑफ लिक्विड गैस, टू मेजर द वॉल्यूम ऑफ लिक्विड सॉरी द्रव के आयतन को मापने के लिए या फिर विलयन को मापने के लिए, पूछ रहा है कि द्रव या फिर सॉल्यूशन विलयन के आयतन को मापने के लिए प्रयोगशाला में किस इक्विपमेंट का, उपकरण का उपयोग करते हैं। आंसर लिखिए, ठीक है, आंसर लिखिए, इन लैबोरेटरी प्रयोगशाला में टू मेजर द वॉल्यूम ऑफ लिक्विड और सॉल्यूशन, इन लैबोरेटरी टू मेजर द वॉल्यूम ऑफ लिक्विड और सॉल्यूशन इज यूज्ड, इन लैबोरेटरी टू मेजर द वॉल्यूम ऑफ लिक्विड और सॉल्यूशन बाय द वॉल्यूमेट्रिक फ्लक्स, आयतन मापी फ्लक्स इसको कहते हैं, फैले के, ठीक है, वॉल्यूमेट्रिक फ्लक्स। उसके बाद लिखिए ग्रेजुएटेड सिलेंडर, ठीक है, ग्रेजुएटेड सिलेंडर, ब्यूरेट एंड पीपेट, पीपेट इसी तीन चारों का उपयोग करते हैं। इन लैबोरेटरी टू मेजर द वॉल्यूम ऑफ लिक्विड और सॉल्यूशन बाय द वॉल्यूमेट्रिक फ्लक्स, ग्रेजुएटेड सिलेंडर और ब्यूरेट एंड पीपेट, इसी चार का क्या करते, उपयोग करते किसका, तो वॉल्यूमेट्रिक फ्लक्स को कहते हिंदी में आयतन मापी फ्लक्स, ठीक है, इसको कहते आयतन मापी फ्लक्स, ठीक है, फ्लक्स, और इसको ग्रेजुएटेड सिलेंडर को कहते असांकित बेल सिलेंडर के सिलेंडर कहते हैं, ठीक है, सिलेंडर, और इसको ब्यूरेट को ब्यूरेटे कहते हैं, ठीक है, ब्यूरेट कहते हैं, और इसको पीपेट को पीपेटे कहते हैं, ठीक है। तो आप कहिएगा सर ब्यूरेट क्या है और ग्रेजुएटेड सिलेंडर क्या है, वॉल्यूमेट्रिक फ्लक्स क्या और पीपेट क्या है, तो सबसे पहले जानिए कि व्हाट इज ब्यूरेट। तो ब्यूरेट इज द इक्विपमेंट टू मेजर द वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, इट इज मेड अप ऑफ द ग्लास एंड द प्लास्टिक, देयर आर टू टाइप ऑफ द ब्यूरेट, ब्यूरेट के दो प्रकार होते हैं, वॉल्यूमेट्रिक ब्यूरेट और दूसरा आ जाता है डिजिटल ब्यूरेट। डिजिटल ब्यूरेट इज यूज टू मेजर द वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड इन द डिजिटल प्रोसेस, इन विच जिसमें द मेजरमेंट इज शोन ऑन द स्क्रीन, डिजिटल स्क्रीन एंड इट इज कंट्रोल बाय द कंप्यूटर। इसके भी दो प्रकार, हम तुरंत इसके इस लेक्चर के बाद, यानी कि जब हम यह पढ़ा रहे हैं, 12वां लेक्चर है, 13वां लेक्चर में हम पढ़ाएंगे कि व्हाट इज ब्यूरेट, ब्यूरेट क्या है, पीपेट क्या है 14 लेक्चर में, वॉल्यूमेट्रिक फ्लक्स और ग्रेजुएटेड सिलेंडर आपको 15 लेक्चर में पढ़ा दे, यानी कि धीरे धीरे हम एक क्रम बनाए, यानी कि आपको एक ही में सब पढ़ा दे ताकि दिमाग बाउंस हो जाए, वह नहीं। यह ब्यूरेट क्या है, ग्रेजुएटेड सिलेंडर क्या है, ब्यूरेट, यानी कि फिर से समझिए कि ब्यूरेट एक प्रकार का वह उपकरण है जिसके द्वारा वॉल्यूम ऑफ लिक्विड द्रव के आयतन को मापा जाता है। यह दो प्रकार का होता है ब्यूरेट, एक वॉल्यूमेट्रिक ब्यूरेट और दूसरा होता है डिजिटल ब्यूरेट, ठीक है। तो वॉल्यूमेट्रिक ब्यूरेट भी वॉल्यूम को ही मापता है और डिजिटल ब्यूरेट भी वॉल्यूमों को मापता है। देखिए ब्यूरेट का इस प्रकार का आकार होता है, ठीक है, इस प्रकार का आकार होता है। अब कहिएगा सर ये वाई कहती है, तो वाई नल है, ठीक है, इसको क्या कहते हैं, नल, इस प्रकार इसको क्या कर देते हैं, अगर
यही इस प्रकार दिया रहता है, ब्यूरेट का साइन है। अभी यहाँ पे जगह कम है तो पूरा बना देते, यानी कि पहले यहाँ समझ लीजिए कि हु आर द इक्विपमेंट, हु मीन्स कौन, और इक्विपमेंट मीन्स क्या, उपकरण है। तो कौन ऐसा उपकरण है, हु चीज यूज, जिसका उपयोग कर इन लेबोरेटरी प्रयोगशाला में करते हैं, टू मेजर द, मापते हैं वॉल्यूम ऑफ लिक्विड, यानी कि द्रव के आयतन को मापने के लिए प्रयोगशाला में किस यंत्र का उपयोग करते हैं। तो इन लेबोरेटरी प्रयोगशाला में टू मेजर द वॉल्यूम ऑफ लिक्विड, द्रव के आयतन को माप लेते हैं, बाय मींस द्वारा या बाय मींस से, वॉल्यूमेट्रिक फ्लक्स, वॉल्यूमेट्रिक फ्लक्स से, आयतन मापी फ्लक्स से, ग्रेजुएटेड सिलेंडर, असंकित सिलेंडर से, ब्यूरेट से एंड द पीपेट से, एंड द पीपेट से, ठीक है, और द पीपेट से क्या करते हैं, मापते हैं। अब इसमें आपको एक चीज पढ़ा देंगे कि वॉल्यूमेट्रिक फ्लक्स का एक और उपयोग है, ठीक है, वो अभी पढ़ा देते हैं। सबसे पहले इतना आप क्या कर लीजिए, स्क्रीनशॉट कर लीजिए, ठीक है, सबसे पहले आप क्या कर लीजिए, इतना आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर उसके बाद पढ़ाएंगे कि वॉल्यूमेट्रिक, एक और वॉल्यूमेट्रिक फ्लक्स का उपयोग है, ठीक है। कर ली होइएगा स्क्रीनशॉट, ठीक है, अब लिखिए अगला, यूज ऑफ वॉल्यूमेट्रिक फ्लक्स, वॉल्यूमेट्रिक फ्लक्स का उपयोग कहाँ करते हैं, ठीक है। पूछता है एनसीईआरटी में आपको हर एक टॉपिक दिया है, अगर आप किताब खरीदे हैं तो उसको पूरा तरह पढ़िएगा, ठीक है। अब लिखिए यूज ऑफ वॉल्यूमेट्रिक फ्लक्स, यूज ऑफ वॉल्यूमेट्रिक फ्लक्स, फ्लक्स, ठीक है, लिखिए वॉल्यूमेट्रिक फ्लक्स इज यूज, ठीक, लिखिए वॉल्यूमेट्रिक, आंसर में वॉल्यूमेट्रिक फ्लक्स इज यूज्ड टू प्रिपेयर नॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, नॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, यानी कि ज्ञात विलयन का आयतन बनाने के लिए वॉल्यूमेट्रिक फ्लक्स का उपयोग किया जाता है, ठीक है। ज्ञात विलयन का क्या बनाने के लिए, आयतन, इसका जो शेप होता है, देखिए इस प्रकार का शेप होता है, ठीक है, इस प्रकार का शेप होता है वॉल्यूमेट्रिक सिलेंडर, इसका वॉल्यूमेट्रिक फ्लक्स का, इसका जो शेप होता है इसी प्रकार का शेप होता है, ठीक है। वॉल्यूमेट्रिक फ्लक्स का जो शेप होता है सेम टू सेम यही है, सेम टू सेम आप मान लीजिए, नहीं यही है या वॉल्यूमेट्रिक फ्लक्स का शेप। तो यह कह रहा है वॉल्यूमेट्रिक फ्लक्स यूज, उपयोग करते हैं, प्रिपेयर मीन्स ज्ञात करना, या प्रिपेयर सॉरी प्रिपेयर मीन्स बनाना, ठीक है, नोन मीन्स ज्ञात, ठीक है, और वॉल्यूम मीन्स आयतन, सॉल्यूशन मीन्स बिलियन, यानी कि ज्ञात बिलियन का आयतन बनाने में क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। वॉल्यूमेट्रिक फ्लक्स इज यूज टू प्रिपेयर द नॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, यानी कि आयतन मापी फ्लक्स का उपयोग ज्ञात बिलियन के आयतन बनाने में करते, क्या करते हैं, फिर से समझिए कि वॉल्यूमेट्रिक फ्लक्स का उपयोग, आयतन मापी फ्लक्स का उपयोग ज्ञात बिलियन के आयतन बनाने में किया जाता। यहाँ तक आज वॉल्यूम खत्म हो गया, वॉल्यूम का मेजरमेंट खत्म, अब हम पढ़ेंगे मेजरमेंट ऑफ द डेंसिटी, घनत्व का मापन, ठीक। सबसे पहले आप क्या कर लीजिए, इतना तक स्क्रीनशॉट कर लीजिए, अब हम पढ़ेंगे कि मेजरमेंट ऑफ द डेंसिटी, मेजरमेंट ऑफ डेंसिटी, ठीक है। सबसे पहले आप इतना तक क्या कर लीजिए, स्क्रीनशॉट कर लीजिए, ठीक है। कर ली हुईगा स्क्रीनशॉट, ठीक है। अब पढ़िए कि मेजरमेंट ऑफ द डेंसिटी, सॉरी हाँ सॉरी डेंसिटी का ही मापन, मेजरमेंट ऑफ द डेंसिटी, ठीक। अब पर ये अगला क्वेश्चन, वह भी क्या है, भी भी आयु, मात्र 10-15 मिनट का टॉपिक है, ज्यादा आपका टाइम हम नहीं लेंगे, लेकिन उसमें ही आपको इतना समझा देंगे ताकि आप जहां भी पढ़ते हुईगा, यूट्यूब पर मैं सबसे बेस्ट कॉन्सेप्ट देता हूँ, मैं अपने आप में नहीं कहता हूँ, मेरे बच्चे भी बोलते हैं, और वो क्या करते हैं कमेंट में भेजते हैं कि सर आप कितना बढ़िया पढ़ा रहे हो, और बहुत क्या बहुत बच्चों का प्यार भी मिलता है, कुछ टीचर भी क्या करते हैं मोटिवेट करते रहते हैं, ठीक है, अच्छी बात है। अब लिखिए मेजरमेंट ऑफ
डेंसिटी, डेंसिटी मीन्स आपके सर पर हाय होंगे घनत्व, ठीक है। आपके सर का पहेंगे कि सर जी से पूछे हुएगा आप टेंथ में कि सर जी घनत्व क्या है, घनत्व किसे कहते हैं, तो आपके सर जरूर वहां लिखाए होंगे परिभाषा कि इकाई आयतन में उपस्थित द्रव्यमान को ही घनत्व कहते हैं, ठीक है। पहले हम लिख देते हैं फिर समझाएंगे, ठीक है। लिखिए पहले आंसर में तो व्हाट इज डेंसिटी, डेंसिटी क्या है, ठीक है। तो व्हेन द व्हाट इज डेंसिटी यानी कि इकाई आयतन में उपस्थित द्रव्यमान को क्या कहते हैं, डेंसिटी कहते हैं। इकाई आयतन में उपस्थित की द्रव्यमान को लिखिए द मास ऑफ सबस्टांस, द मास ऑफ सबस्टांस प्रेजेंट इन यूनिट वॉल्यूम, यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड देयर डेंसिटी, देयर डेंसिटी। तो वही उनका क्या कहलाता है, घनत्व कहलाता है। द मास ऑफ सबस्टांस पदार्थ का वह द्रव्यमान प्रेजेंट उपस्थित होता है इन यूनिट वॉल्यूम, इकाई आयतन में उपस्थित पदार्थ के मास को, द्रव्यमान को ही क्या कहते हैं, घनत्व कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, घनत्व कहते हैं। तो देखिए यहाँ डेंसिटी बराबर फॉर्मूला निकल कर आ गया, मास बटा वॉल्यूम। द मास ऑफ सबस्टांस प्रेजेंट इन पर यूनिट वॉल्यूम या पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है, पर यूनिट वॉल्यूम लिख सकते हैं, प्रेजेंट इन पर यूनिट वॉल्यूम, प्रेजेंट इन पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। पर यूनिट पर मिस प्रति, ठीक है, यूनिट यानी कि प्रति इकाई आयतन में उपस्थित पदार्थ के द्रव्यमान को ही उस पदार्थ का घनत्व कहते हैं। पर मिस होता है यहाँ प्रति, ठीक है, यानी बट्टा, ठीक है, बट्टा है कि नहीं है, मास बट्टा वॉल्यूम, यानी कि यह मास क्या है, इकाई आयतन में उपस्थित, इकाई आयतन में उपस्थित है या नहीं है, तो है भाई, यहाँ यूनिट तो वन ही लेंगे ना, यानी कि वन के जी, सॉरी हाँ वन के जी होगा बट्टा वन मीटर क्यूब होगा, यानी कि एक केजी पर मीटर क्यूब, एक केजी मीटर क्यूब, यानी कि एक केजी पदार्थ जब एक मीटर क्यूब जिसमें आयतन में उपस्थित होता है तो उसे क्या कहते हैं, वन डेंसिटी। उसका क्या घनत्व क्या होता है, वन डेंसिटी होता है, ठीक है, डेंसिटी यानी कि वही कहलाता है यहाँ। तो द मास ऑफ सबस्टांस पदार्थ का वह द्रव्यमान, द मास ऑफ सबस्टांस पदार्थ का वह द्रव्यमान प्रेजेंट उपस्थित होता है इन पर यूनिट वॉल्यूम, प्रति इकाई आयतन में उपस्थित पदार्थ के द्रव्यमान को ही उस पदार्थ का क्या कहते हैं, डेंसिटी, देयर मीन्स उनका और डेंसिटी मीन्स घनत्व, उसका क्या कहते हैं, घनत्व कहते हैं, उसका घनत्व कहते हैं उनका, ठीक है, उनका यानी कि प्रति इकाई, प्रति इकाई पर यूनिट में होता है प्रति इकाई, ठीक है। देखिए यहाँ पे आप लिख लीजिए प्रति इकाई के, प्रति इकाई का इंग्लिश होता है पर यूनिट, ठीक है, पर यूनिट, ठीक है, पर यूनिट। आपके इंग्लिश वाले सर बहुत पढ़ाए होंगे पर यूनिट, ठीक है, इंग्लिश वाले कितना पढ़ाते हैं, ठीक है, वो सब पढ़ा दिए होंगे। तो यही कह रहा है द मास ऑफ सबस्टांस पदार्थ का वह द्रव्यमान प्रेजेंट इन उपस्थित होता है पर यूनिट वॉल्यूम, प्रति इकाई आयतन में उपस्थित पदार्थ के द्रव्यमान को ही उस पदार्थ का घनत्व कहते हैं, उस पदार्थ का क्या कहते हैं, घनत्व कहते हैं। द मास ऑफ सबस्टांस पदार्थ का वह भार प्रेजेंट उपस्थित होता है इन पर यूनिट वॉल्यूम, प्रति इकाई आयतन में इज कॉल्ड कहलाता है, दे आर मीन्स उनका, डेंसिटी मीन्स घनत्व, तो वही उनका क्या कहलाता है, घनत्व कहलाता है। द मास ऑफ सबस्टांस पदार्थ का वह द्रव्यमान प्रेजेंट इन यूनिट वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, इकाई आयतन में उपस्थित पदार्थ के द्रव्यमान को ही उस पदार्थ का क्या कहते हैं, डेंसिटी कहते हैं। आपको हम पढ़ाए होंगे कि मास का जो यूनिट होता है वह केजी होता है, जब आपको ऐसा ही सिस्टम हम पढ़ाए होंगे तो पढ़ाएंगे देयर आर थ्री फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, सात भौतिक राशियां, मास, लेंथ, टेम्परेचर, थर्मो मास, लेंथ, टेम्परेचर,
टेम्परेचर, या तीन वो हो गया अमाउंट ऑफ सबस्टांस थर्मोडाइन अमाउंट ऑफ सबस्टांस ल्यूमिनस इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक करेंट, या सात को पढ़ाएंगे। मास भी, मास का जो यूनिट होता है वह केजी होता है। मास का यूनिट कितना होता है? केजी होता है, ठीक है। अब लिख लीजिए यूनिट ऑफ एसआई, यूनिट ऑफ मास बराबर केजी। अगर नहीं लिखे होंगे वहां, अगर याद ना करते होंगे तो लिख लीजिए एसआई यूनिट ऑफ मास इज केजी, ठीक है। लिखिए यहां पे, लिखिए एसआई यूनिट ऑफ मास इज इक्वल टू केजी, ठीक है। सीजीएस यूनिट ग्राम हम लोग सब जानते हैं, ठीक है। और देखिए वॉल्यूम का, एसआई यूनिट ऑफ वॉल्यूम अभी पर है, क्या होगा? मीटर क्यूब। एसआई यूनिट ऑफ वॉल्यूम बराबर मीटर क्यूब, ठीक है। तो उसी प्रकार डेंसिटी को रो से सूचित करते हैं, ठीक है। रो से डेंसिटी को किसे सूचित करते हैं? रो से। इस प्रकार का रो लिख देते हैं, उसे लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो सीधे लिखिए डेंसिटी बराबर मास को लिखते हैं केजी, और वॉल्यूम का कितना होगा? मीटर क्यूब। तो एसआई यूनिट कितना होगा? यूनिट ऑफ, यहाँ पे निकालते हैं एसआई यूनिट, ठीक है। तो एसआई यूनिट कितना होगा बताइए आप लोग? तो केजी आई बट्टा है तो ऊपर जाएगा, तो ऊपर पे कितना, नीचे तीन है तो ऊपर जाएगा तो माइनस तीन आ जाएगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं केजी पर मीटर क्यूब। क्या लिख सकते हैं इसको? यह भी लिखे तो सही और यह भी लिखे तो सही। तो यहाँ पे लिख दीजिए एसआई यूनिट, एसआई यूनिट यह किसका है? तो ये घनत्व का है। अगर कोई पूछ देगा चलो सीजीएस में बताओ, तो सीजीएस यूनिट कितना होगा? तो केजी, मास का जो एसआई यूनिट केजी होता है और सीजीएस यूनिट ग्राम होता है। फिर से समझिए, मास का सीजीएस यूनिट ग्राम होता है, यह सब हम आप लोगों को पढ़ा दिए हैं, ठीक है। तो केजी का कितना होगा? ग्राम। और मीटर का भी पर है सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर, ठीक है। यह आ गया दो फॉर्मूला आ गया, ठीक है। दो फॉर्मूला मेरे पास प्रोडक्ट हो गए, उत्पादित हो गए। फिर समझिए कि मेजरमेंट ऑफ डेंसिटी, डेंसिटी का मापन भी पढ़ाएंगे। पहले तो डेंसिटी भाई क्या है उसके बारे में तो पढ़ना सबसे बड़ी बात नहीं है। कह रहा है द मास ऑफ सबस्टांस पदार्थ का एक वह द्रव्यमान प्रेजेंट इन पर यूनिट वॉल्यूम, प्रति इकाई आयतन में उपस्थित पदार्थ के द्रव्यमान को ही उस पदार्थ का घनत्व कहते हैं। क्या कहते हैं? घनत्व। तो देह में सुन का और डेंसिटी उस पदार्थ का क्या कहते हैं? घनत्व कहते हैं। डेंसिटी बराबर मास बाय वॉल्यूम, हमने एसआई यूनिट ऑफ मास केजी ले लिया। तो एसआई यूनिट केजी या पर मीटर क्यूब, वॉल्यूम का मीटर क्यूब, यहां से मीटर क्यूब, सीजीएस यूनिट ग्राम पर सेंटीमीटर। यहां तक सबसे पहले स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अब हम पढ़ा रहे हैं इसी में, इसका आगे टॉपिक नहीं होगा, इसी में पैराग्राफ चेंज कर लिखवा रहे हैं। कोई केजी पर मीटर क्यूब इज द लार्जेस्ट, केजी क्या है? एक बड़ी इकाई है या नहीं है? सबसे बड़ी इकाई है भाई, बहुत बड़ी होती है। 100 केजी बराबर एक क्विंटल होता है, केजी एक बड़ी है। इसीलिए वैज्ञानिक क्या करता है? ग्राम सेंटीमीटर क्यूब का उपयोग और मिलीग्राम में भी उपयोग कर लेता है। आप जब न्यूमेरिकल बनाइएगा तो बहुत कम देखिएगा कि लैब वाला जो सवाल है लेबोरेटरी, उसमें केवल ग्राम, 0.5 ग्राम NaCl इज डिजॉल्व्ड, ठीक है, इज डिजॉल्व्ड, क्या किया जाता है? घुलाया जाता है इन द डिटर्जेंट। किसमें? डिटर्जेंट में, पाउडर, डिटर्जेंट पाउडर, सर्फ ऑफ मार्जक में। यह सब आपको वहां पे दिया रहेगा, यानी कि बहुत एक छोटी सी मात्रा ली जाती है। तो छोटी सी मात्रा क्या है? ग्राम सेंटीमीटर क्यूब है, और यह एक लार्जेस्ट यूनिट है। तो अभी इसमें ही पढ़ाएंगे, इतना तक आप कर लीजिएगा स्क्रीनशॉट सबसे पहले। कर लीजिएगा, ठीक है। इसमें लिखिए पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा केजी पर मीटर क्यूब इज द लार्जेस्ट यूनिट, एक बड़ी इकाई है, ठीक है, लार्जेस्ट यूनिट। इसीलिए ग्राम सेंटीमीटर पर क्यूब इज यूज्ड
इन लेबोरेटरी बिकॉज क्योंकि ठीक है बिकॉज क्योंकि ग्राम सेंटीमीटर पर क्यूब कहते हैं उसको इज द स्मॉलेस्ट यूनिट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट स्मॉलेस्ट क्योंकि ग्राम सेंटीमीटर पर क्यूब क्या है एक स्मॉलेस्ट यूनिट है। यहाँ तक आपको पूरा समझ में आ गया। इसी में लिखिए व्हेन जब टेम्परेचर इज इंक्रीज जब तापमान बढ़ाया जाता है टेम्परेचर इज इंक्रीज व्हेन टेम्परेचर इज इंक्रीज देन तब डेंसिटी क्या करता है घटता या बढ़ता है आप लोग सबसे पहले बताइए। जब टेम्परेचर को बढ़ाया जाता है तो डेंसिटी क्या करता है बढ़ता है या फिर घटता है। When the temperature is increased, जब तापमान को बढ़ाया जाता है then तब डेंसिटी इज डिक्रीज तापमान घनत्व घटता है ठीक है डेंसिटी इज डिक्रीज ठीक है। एंड और जब डेंसिटी डिक्रीज हो जाएगा तो मॉलिक्यूल क्या आ जाएंगे एज ए रिजल्ट इसके परिणाम स्वरूप क्या होता है मॉलिक्यूल आर फार एंड फार अवे फ्रॉम ईच अदर मॉलिक्यूल क्या होता है फार एज ए रिजल्ट इसके परिणाम स्वरूप मॉलिक्यूल आर फार एंड फार अवे फ्रॉम ईच अदर far away from each other एक दूसरे से दूर भाग जाते हैं ठीक है। जब तापमान को आप बढ़ाइए ठीक है क्या होता है डेंसिटी डिक्रीज हो जाता है डेंसिटी क्या करता है डिक्रीज एंड मॉलिक्यूल बिकम फार एंड फार अवे फ्रॉम ईच अदर और अणु एक दूसरे से बहुत दूर जाते हैं। जैसे कि गर्मी के समय में आप लोग जानते हो कि बिंदुआ उड़ता है हम लोग एकदम देहाती है तो देहाती तन का भाषा इस्तेमाल करेंगे ताकि समझ में आएगा। यानी कि क्या होता है गर्मी ज्यादा टेम्परेचर बढ़ गया तो गांव में हम लोग रहते क्रिकेट खेलते रहते तो क्या होता है वहां पे जो पत्ते होते हैं जो बांस का पत्ता या फिर किसी आम का पत्ता क्या होता है ज्यादा टेम्परेचर होने के कारण वह हल्का हो जाता डेंसिटी डिक्रीज करेगा और जब ये डेंसिटी डिक्रीज करेगा तो वह ऊपर की तरफ उड़ना चालू कर देगा क्या कर देता है चालू कर देता है। मॉलिक्यूल दूर होते हैं उसमें नजदीक नहीं होते हैं मॉलिक्यूल दूर तो व्हेन द टेम्परेचर इज इंक्रीज जब तापमान को बढ़ाया जाता है ठीक है देन द डेंसिटी इज डिक्रीज तो घनत्व घट जाता है एज ए रिजल्ट इसके परिणाम स्वरूप द मॉलिक्यूल बिकम फार एंड फार अवे फ्रॉम ईच अदर फार एंड फार अवे का मतलब होता है दूर दूर तक ठीक है फ्रॉम ईच अदर एक दूसरे से बहुत अलग हो जाते हैं ठीक है जब तापमान को बढ़ाया जाता है ठीक है। फिर से समझिए व्हेन द टेम्परेचर इज इंक्रीज जब तापमान को बढ़ाया जाता है देन द डेंसिटी इज डिक्रीज तब क्या होता है घनत्व घट जाता है एज ए रिजल्ट इसके परिणाम स्वरूप मॉलिक्यूल बिकम फार एंड फार अवे फ्रॉम ईच अदर अणु एक दूसरे से दूर दूर भागते रहते हैं ठीक है दूर दूर भागते रहते हैं दूर दूर क्या करते भागते तो वही होता है जब हमारे गांव में कि जब क्या होता है तापमान बहुत बढ़ जाता है जो बहुत कड़ी धूप रहती है लगभग 42-43 डिग्री तापमान रहते हैं तो जब भी थोड़ा भी क्या हवा क्या करती है बहती है तो थोड़ा भी जब हवा का फ्लो होता है तो क्या होता है जो भी कण होते हैं वो ऊपर की तरफ आ जाते हैं और इस प्रकार क्या करते हैं गोल गोल बनाकर घूमना चालू कर देते हैं क्योंकि इसका डेंसिटी तो घट चुका है डेंसिटी घट मॉलिक्यूल भी गम फार एंड फार अवे फ्रॉम ईच अदर और वह लाइटर हो चुका है हल्का हो चुका है डेंसिटी घटेगा हल्का होगा वह जरूर आसानी से क्या होता है आसानी से वह घूम सकेगा फ्री टू मूव हो आसानी से घूमेगा ठीक है। तो वही है तो व्हेन द डेंसिटी इंक्रीज जब तापमान को बढ़ाया जाता है इंक्रीज मींस बढ़ाना देन तब डेंसिटी इज डिक्रीज जब डेंसिटी क्या होता है देन तब डेंसिटी दो लिखा गया ठीक है डेंसिटी इज डिक्रीज तो डेंसिटी क्या होता है डिक्रीज हो जाता है डेंसिटी इज डिक्रीज या दोनों एक के बीच में गैप नहीं है डेंसिटी इज डिक्रीज एज ए रिजल्ट परिणाम स्वरूप मॉलिक्यूल आर फार अवे फ्रॉम ईच अदर फार एंड फार अवे का मीनिंग लिख लीजिएगा दूर दूर तक ठीक है दूर दूर तक फैले जाते हैं एक दूसरे से बहुत दूर हो जाते हैं बट लेकिन ठीक है इसी में लिखिए बट लेकिन व्हेन जब
टेम्परेचर इज डिक्रीज, जब तापमान को घटाया जाता है, टेम्परेचर इज डिक्रीज, बट लेकिन व्हेन द टेम्परेचर इज डिक्रीज, जब तापमान को क्या किया जाता है, घटाया जाता है, डिक्रीज, ठीक है, देन डेंसिटी इज इंक्रीज, तब घनत्व तो बढ़ जाता है, ठीक है, एंड मॉलिक्यूल आर क्लोज्ड टू ईच अदर, एंड और क्या होता है, मॉलिक्यूल आर क्लोज टू ईच अदर, एंड मॉलिक्यूल आर क्लोज टू ईच अदर, मॉलिक्यूल्स आर क्लोज टू ईच अदर, अणु एक दूसरे से पास पास आ जाते हैं, ठीक है। अब देखिए, व्हेन द टेम्परेचर इज डिक्रीज डेंसिटी इज इंक्रीज, अब कहिएगा सर जब तापमान घट गया तो डेंसिटी बढ़ गया, यानी कि यह क्या होता है, वाइस वर्सा होता है, उल्टा होता है, ठीक है, तो जब टेम्परेचर को डिक्रीज कर रहा है तो डेंसिटी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, बढ़ रहा है, एंड और मॉलिक्यूल आर क्लोज टू ईच अदर, और क्या होते हैं, अणु एक दूसरे से क्लोज टू ईच अदर हो जाते हैं, बहुत एकदम नजदीक आ जाते हैं, ठीक है, क्या होता है, नजदीक आ जाते हैं, यहाँ तक तो समझ गए, जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो डेंसिटी घटेगा, मॉलिक्यूल एक दूसरे से दूर भागेगा, ठीक, दूसरा क्या कर रहा है, व्हेन द टेम्परेचर, जब टेम्परेचर घटेगा डेंसिटी बढ़ेगा, मॉलिक्यूल एकदम क्लोज आ जाएंगे, जब आप देखते हुएगा एग्जांपल, जब हम बता रहे हैं जारे का मौसम, इन द विंटर सीजन, जारे के मौसम में तापमान क्या रहता है, 45 डिग्री सेल्सियस रहता है, तो नहीं, तापमान 15 डिग्री सेल्सियस, 10 डिग्री सेल्सियस, 5 डिग्री सेल्सियस, 2 डिग्री सेल्सियस रहता है पूरा रहता है, ठीक है, तो रहने के बावजूद क्या होता है, जो वह लगता है डेंस, अर्थात फॉगी एंड डेंसर एरिया, ठीक है, तो वह धुन जो लगता है, अर्थात उसको कहते हैं फॉगी और डेंस एरिया, ठीक है, तो धुन लगने का कारण क्या है, कि घनत्व बढ़ चुका है और अणु एक दूसरे से एकदम क्लोज आ चुके हैं, एकदम बहुत नजदीक आ चुके हैं, डेंसन एरिया, एकदम क्या हो रहा है, टेम्परेचर घट गया है, तापमान डेंसिटी बढ़ गया है, और मॉलिक्यूल क्लोज टू ईच अदर, बहुत नजदीक आ गए, यानी कि वातावरण में जितने भी अणु है वो दूसरे के एकदम क्लोज आ गए हैं, और क्या लगा दिए है, धुन लगा दिए हैं, फॉगी एंड डेंसन एरिया करवा दिए, ठीक है, एकदम धुन लगवा दिए हैं, और जब भी आप देखते हुएगा जब धूप जब ये क्या करती है, उगती है, जब धूप जब सूरज निकलती है तो सूरज के पास तो तापमान है भाई, तो उस तापमान है तो उसको टेम्परेचर को बढ़ाएगा, जब सॉरी टेम्परेचर तो उसके पास है ही, तो वह घनत्व को क्या करेगा, बढ़ाएगा, जब घनत्व बढ़ेगा तो मॉलिक्यूल दूर दूर भागता चला जाएगा, क्या करेगा, भागता चलेगा, और परिणाम स्वरूप क्या होगा, मेरा जो एरिया होगा क्लीन होगा, किससे, फ्रॉम द डेंसन एंड फॉगी से, यानी कि धुन से मेरा एरिया क्लीन होगा, अब आप समझ गए कि जारे के समय में धुन क्यों लगती है, क्योंकि उसका कारण है कि डेंसिटी घट जाता, डेंसिटी सॉरी बढ़ जाता, डेंसिटी क्या करता है, बढ़ जाता है, और मॉलिक्यूल क्लोज टू ईच अदर आ जाता है, फिर दूसरा आपसे अगर क्वेश्चन पूछ दे कि गर्मी के मौसम में बिंदुआ क्यों उड़ते रहते हैं, तो उसका कारण है तापमान अधिक होने के कारण घनत्व क्या कर जाता है, घट जाता है, और मॉलिक्यूल एक दूसरे से दूर हो जाता है, इसीलिए क्या होता है, मॉलिक्यूल हल्का होकर उड़ने लगते हैं, लेकिन जब जाड़ा का मौसम आता है तो तापमान घट जाता है, डेंसिटी बढ़ जाता है, और मॉलिक्यूल क्लोज टू ईच अदर हो जाता है, और वही धुन का निर्माण कर देता है, फॉगी एंड डेंसर एरिया का प्रोड्यूस करता है, तब आप समझ गए होइएगा कि किस प्रकार का राम कि केजी मीटर क्यों इज द लार्जेस्ट यूनिट, केजी मीटर क्यों एक प्रकार की लार्जेस्ट यूनिट है, बड़ी इकाई है, देयरफॉर इसीलिए ग्राम सेंटीमीटर क्यूब इज यूज्ड इन लैबोरेटरी प्रयोगशाला में, बिकॉज क्योंकि ग्राम सेंटीमीटर क्यूब इज द स्मॉलेस्ट यूनिट, एक छोटी इकाई है, व्हेन जब टेम्परेचर इज इंक्रीज, जब तापमान को बढ़ाया जाता है, देन तब डेंसिटी इज डिक्रीज, क्या होता है, घनत्व घट जाता है, एज ए रिजल्ट परिणाम स्वरूप मॉलिक्यूल आर फार एंड फार अवे फ्रॉम ईच अदर, अणु एक से दूर हो जाते हैं, बट लेकिन व्हेन जब टेम्परेचर इज डिक्रीज, जब तापमान को घटाया जाता है, देन डेंसिटी इज इंक्रीज, घनत्व बढ़ जाता है, एंड और मॉलिक्यूल आर क्लोज टू ईच अदर, और अणु एक दूसरे से क्लोज्ड हो जाते हैं, एकदम क्लोज्ड हो जाते हैं।
यहाँ तक आप पूरा समझ गए होइएगा। सबसे पहले क्या कर लीजिए, स्क्रीनशॉट कर लीजिए, यहाँ पर गैप नहीं है, ठीक है। फिर से समझा कर देते हैं, यहाँ पे गैप नहीं, यहाँ पे सीधे लिख देते हैं देन, बड़ा वाला लिख देते हैं, डेंसिटी इज इंक्रीज, ठीक है। सबसे पहले क्या कर लीजिए, यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अब हम पढ़ाएंगे कि हु आर द इक्विपमेंट टू मेजर द डेंसिटी, कौन ऐसा उपकरण है जिसे डेंसिटी को मापते हैं, ठीक है। लिख लिए होइएगा, ठीक। अब लिखिए, यह क्वेश्चन खत्म हो गया। अब लिखिए हु आर द इक्विपमेंट फ्रॉम विच जिससे मेजर द डेंसिटी, जिससे डेंसिटी को मापा जाता है। Who are the equipment? कौन ऐसा उपकरण है फ्रॉम विच जिससे मेजर द डेंसिटी, घनत्व को मापते हैं। आंसर में लिख लीजिएगा हाइड्रोमीटर, हाइड्रोमीटर, ठीक है। लिखिए हाइड्रोमीटर इज एन इक्विपमेंट, एन इक्विपमेंट टू यूज द मेजरमेंट ऑफ डेंसिटी, घनत्व को इसका उपयोग कर किसको, घनत्व को क्या किया जाता है, मापा जाता है। यानी कि हाइड्रोमीटर इज एन इक्विपमेंट, इक्विपमेंट मीन्स उपकरण, अर्थात इंस्ट्रूमेंट भी लिख सकते हैं, यंत्र भी लिख सकते हैं। यानी कि हाइड्रोमीटर इज द इक्विपमेंट, हाइड्रोमीटर एक प्रकार का क्या है, इक्विपमेंट है, टू यूज टू मेजरमेंट द डेंसिटी, इसका उपयोग कर डेंसिटी को मापा जाता है। आप कहिएगा सर हाइड्रोमीटर क्या है, तो हाइड्रोमीटर यूज टू कन्वर्ट द स्पेसिफिक वेट और डेंसिटी ऑफ ए लिक्विड इन टू एन इलेक्ट्रिकल सिग्नल। इलेक्ट्रिकल सिग्नल में यह क्या होगा, अगले लेक्चर में पढ़ा दिया जाएगा कि व्हाट इज हाइड्रोमीटर, ठीक है। अगले लेक्चर में आपको मिल जाएगा कि व्हाट इज हाइड्रोमीटर, हाइड्रोमीटर क्या है। यहां तक आप सबसे पहले स्क्रीनशॉट कर लीजिए, ठीक, कर लिए होइएगा। तो आज के क्लास आपको अच्छा लगा होगा, क्योंकि हमने पूरी कॉन्सेप्ट से एक हमने बेसिक लेवल से चालू किया और एक पीक लेवल तक हमने आपको पहुंचाया। कहिएगा सर कैसे, तो हमने क्या लिया, एक अपने जिसमें परिवेश में भी हम लोग रह रहे हैं उसी परिवेश का एग्जांपल लिए और उसी को लेकर एक पीक तक, जहाँ तक क्या करता है बड़े बड़े वैज्ञानिक सोचते हैं, वहाँ तक आपको हम क्या कर दिए, पहुँचा दिए। और आपका केवल काम है समझ कर पूरा का पूरा नोट करना और याद करना। उसके बाद अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब चैनल को जरूर कीजिएगा। जितना ज़्यादा आप सब्सक्राइब कीजिएगा उतना आपको क्या होंगे, ही फायदा होंगे, ठीक है, कि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाएगी, ठीक। दोस्तों अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे मेजरमेंट ऑफ द, हु आर द इक्विपमेंट टू मेजर द वॉल्यूम, यानी कि बाइट्रे ब्यूरेट के बारे में, ब्यूरेट के बारे में अगले लेक्चर में पढ़ेंगे, पिपेट के बारे में पढ़ेंगे, वॉल्यूमेट्रिक फ्लक्स के बारे में पढ़ेंगे और इसके बाद ग्रेजुएटेड सिलेंडर के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों जय हिंद, जय भारत।